प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में दोस्तों आज हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर दोस्त बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग को फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल लैंग्वेज लिखते हैं। जनरल लैंग्वेज हमारा, जब सोडियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फिन ऑक्साइड बनता है। फिर बने हुए सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा फिनॉल बनता है। हम लोग दोस्त रिएक्शन में आते हैं। देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने जा रहे हैं। तो हम लोग जान रहे दोस्त, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा एसिड है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, इसलिए यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग OH ग्रुप को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है, OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहां पर दोस्त एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये हमारा बेंजीन का रिंग है, यहां पर बना दिया हम बेंजीन का रिंग, ये बना दिया हम बेंजीन का रिंग। सल्फर पर तीन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सल्फर। सल्फर पर ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये हो गया आपका तीसरा ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का नाम है हमारा बेंजीन सल्फोनेट। अब यहां पर देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सोडियम मेटल, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में आपका सोडियम जुड़ जाएगा, तो यहां पर लिख दिया हम सोडियम, और इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब देखिए दोस्तों, रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, सबस्ट्रेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड था तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिए। तो बना हुआ जो हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है वह फिर रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम को हटाएंगे और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हम लोग सोडियम सल्फोनेट को हटाएंगे। यहां पर देखिए दोस्त, यहां से हट गया हमारा सोडियम और ये हो गया हमारा सोडियम सल्फोनेट, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो एक सोडियम दो सोडियम हो गया, ये बन गया हमारा Na2 और ये हो गया हमारा SO3 ग्रुप, तो यहां पर लिख दिया हम SO3। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया सोडियम सल्फाइड। अब यहां पर देखिए दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, यहां पर लिख दिया हम बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग है, तो यहां पर लिखिए हम लोग दोस्त बेंजीन का रिंग, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। बेंजीन के रिंग पर बचा हुआ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुट जाएगा, यहां पर बेंजीन के रिंग पर लगा दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जब बेंजीन के रिंग पर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है तो उस कंपाउंड को हम लोग फिनॉल कहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है,
तो फिर ये फिनोल रिएक्शन कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग OH को हटाएंगे और फिनोल से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे, जहां पर OH हमारा बेस है और हाइड्रोजन हमारा एसिड है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और ये बच गया हमारा फिनोक्साइड ग्रुप, और फिनोक्साइड में जोड़ देंगे सोडियम को तो बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ये हो गया हमारा दोस्त फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड में जुड़ गया सोडियम, इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड। यहां पर लिख दिया हम सोडियम फिनोक्साइड। अब देखिए दोस्त रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, यहां पर फिनोल था तो फिनोल लिख दिए। अब बना हुआ सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन हम लोग दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करेंगे। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड से हम लोग क्लोराइड को हटाएंगे और सोडियम फिनोक्साइड से हम लोग सोडियम मेटल को हटाएंगे। जहां पर क्लोराइड नॉन मेटल है सोडियम मेटल है, तो मेटल को दोस्त नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम फिनोक्साइड से हम लोग सोडियम को हटा देंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड से हम लोग क्लोराइड को हटा देंगे और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड निकाल दिए, अब ये बच गया हमारा फिनोक्साइड ग्रुप, यहाँ पर लिख देंगे हम फिनोक्साइड ग्रुप। ये हो गया फिनोक्साइड ग्रुप और यहाँ पर फिनोक्साइड में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। जब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ हो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फिनोल। रिएजेंट यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिए, सोडियम फिनोक्साइड था तो यहाँ पर लिख दिया हम सोडियम फिनोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है, फिर बना हुआ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सल्फाइड और मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनोल बनता है। लेकिन फिनोल हमारा नेचर में एसिडिक होने की वजह से ये फिनोल हमारा फिर बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये फिनोल हमारा बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनाता है और यहां पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। फिर बना हुआ सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनोल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में बेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से फिनोल बना ली। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।